ऑनलाइन टीआरपी की इस हफ्ते की फ्रेश रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें वो टॉप 10 शोज शामिल हैं जिन्हें जनता ने सबसे ज्यादा पसंद करते हुए बनाया है इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज। तो कौन सा शो रहा इस हफ्ते इस लिस्ट से बाहर और कौन बना नंबर 1, आइए जल्दी से बताते हैं आपको। शुरुआत करते हैं नंबर 10 पोजीशन पर आए शो की। तो इस पोजीशन पर है कलर्स टीवी का शो इश्क में मरजावा 2, जिसने हासिल किए हैं 11.2 रेटिंग पॉइंट्स। 9th पोजीशन पर आए शो की बात करें तो इस पायदान पर है कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 14, जिसे मिले हैं 13.0 रेटिंग पॉइंट्स। देखा जाए तो लास्ट वीक ये शो 6th पायदान पर आया था, लेकिन जिस तरह से शो टीआरपी में लगातार नीचे खिसकता जा रहा है उसने मेकर्स की टेंशन को भी बढ़ा कर रखा हुआ है। 8th नंबर पर है जी टीवी का सुपरहिट शो कुमकुम भाग्य, जिसे मिले हैं 17.0 रेटिंग पॉइंट्स। भई अभी और प्रज्ञा की कहानी को बयान करता ये शो जिस तरह से ऑनलाइन टीआरपी में भी धमाल मचा रहा है, उससे स्टार कास्ट के साथ साथ फैंस भी काफी खुश हैं। वहीं नंबर 7 पर है कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसे मिले हैं 21.5 रेटिंग पॉइंट्स। भाई शो जिस तरह से हर हफ्ते टीआरपी लिस्ट में अपना रुतबा कायम करने में कामयाब रहता है, उससे साफ है कि शो में कई रिप्लेसमेंट और एग्जिट होने के बावजूद भी शो कास्ट और ऑडियंस पे बखूबी कायम है। 6th पायदान पर आए शो की बात करें तो इस पोजीशन पर है स्टार प्लस का पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसने हासिल किए हैं 22.8 रेटिंग पॉइंट्स। वही शो में बेशक एक बार फिर से कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आ चुके हैं, नायरा के दोबारा मां बनने से लेकर नए कैरव की एंट्री हो चुकी है, लेकिन अब भी ऑडियंस को शो काफी पसंद आ रहा है, जिसकी वजह से हर हफ्ते शो ऑनलाइन टीआरपी में छाया रहता है। नंबर 5 पर आया है ये रिश्ता का ही स्पिन ऑफ शो ये रिश्ते हैं प्यार के, जिसने हासिल किए हैं 24.4 रेटिंग पॉइंट्स। वेल शो बेशक ऑफ ईयर जरूर हो गया है, लेकिन अब भी फैंस अबीर मिश्टी की कहानी को काफी मिस कर रहे हैं और ऑनलाइन शो को काफी एंजॉय भी कर रहे हैं। 4th पायदान पर इस बार है शो अनुपमा, जिसे मिले हैं 31.3 रेटिंग पॉइंट्स। रूपाली गांगुली स्टारर ये शो बाग टीआरपी में तो धमाल मचाता ही है, साथ ही साथ ऑनलाइन टीआरपी में भी जिस तरह से छाया रहता है वो ये साबित करता है कि शो ऑडियंस को काफी भा रहा है। अब बात 3rd नंबर पर आए शो की करते हैं। तो आपको बता दें कि इस पोजीशन पर है धीरज धूपर और श्रद्धा आर्या स्टारर शो कुंडली भाग्य, जिसे मिले हैं 32.0 रेटिंग पॉइंट्स। वहीं 2nd नंबर पर इस बार है छोटी सरदारनी, जिसे मिले हैं 33.0 रेटिंग पॉइंट्स। वेल शो में जिस तरह से सरब और मेहर की लव स्टोरी में मानव ने विलन बनकर एंट्री मारी है, उसने शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है और यही वजह है कि शो टीआरपी में काफी कमाल कर रहा है। और अब बात उस शो की जो बना है ऑनलाइन टीआरपी के इस हफ्ते की लिस्ट में नंबर 1 शो, तो वो कोई और नहीं बल्कि नागिन बानी के इंतकाम की कहानी को बयां करता शो नागिन 5 है। जी हाँ, पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी नागिन 5 ऑनलाइन टीआरपी की लिस्ट में नंबर 1 बन गया है और इसे मिले हैं 35.5 रेटिंग पॉइंट्स। तो ये थी इस हफ्ते की ऑनलाइन टीआरपी रिपोर्ट। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई और फ्रेश टीआरपी रिपोर्ट के साथ।